टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। केएमसी को कौन नहीं जानता। ये मेरठ का फेमस कैंसर संस्थान होने के साथ साथ हृदय रोगों में भी अपनी धाक जमा चुका है। दुनिया भर की आधुनिक मशीनों के जरिए यहाँ मरीजों का इलाज किया जाता है। आज एक बार फिर केएमसी ने शहर में फिमरोपॉपिलिटियल बाईपास जैसी एक आधुनिक सर्जरी की शुरुआत की है। इसका जीता जागता उदाहरण है 78 साल के हृदय रोगी भंवर सिंह, जिनको फिमरोपॉपिलिटियल बाईपास के जरिए नई जिंदगी अता की गई है। और ये सर्जरी किसी और ने नहीं बल्कि खुद अनुभवी डॉक्टर तने गर्ग ने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर तने गर्ग ने बताया, भंवर सिंह का दिल महज 50% ही काम कर रहा था, जो आज फिर से एकदम नया हो गया है। सुनिए डॉक्टर तने गर्ग ने फर्स्ट बाइट टीवी को क्या जानकारी दी। मेरा नाम डॉक्टर तने गर्ग है, मैं एक कार्डियोथोरैसिक और वैस्कुलर सर्जन हूं। मैं हृदय रोग के सारे ऑपरेशन और नसों के सारे इलाज करने में पूरी तरह सक्षम हूं। मेरा अभी कर्म भूमि केएमसी हॉस्पिटल है, जहाँ पे मैं 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। तो आज क्या उपलब्धि हासिल हुई है? आज हॉस्पिटल को पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, मतलब हाथ और पैरों की नसों में जो क्रॉनिक चेंजेस आ जाते हैं, एथ्रोस्लॉटिक चेंजेस, जिसकी वजह से पैर काला पड़ने लगता है, पैर आदमी को धीरे धीरे करके अपाहिज बना देता है, आदमी चल नहीं पाता है, उसके लिए एक बड़ा ऑपरेशन मैंने शुरू किया है, जिसका नाम फिमोरोपॉपिलिटियल आर्टरी बाईपास है, जो पैर की रुकी हुई नसों को दोबारा खून देता है और पेशेंट को चलने के लिए योग्य बनाता है। तो डॉक्टर, कितना समय लगा इस ऑपरेशन को करने में, कितनी देर सर्जरी चली? ये ऑपरेशन में 3 से 4 घंटे लगे। बाहरी मुकाबले अगर केएमसी की बात करें तो कितना कम खर्चा यहाँ पर हुआ है और बाहर कितना इसका खर्चा आता है? ये खर्चा अगर पेशेंट का हम खुद का सब यूज़ कर रहे हैं अभी, तो बहुत कम खर्चा आता है, लेकिन क्योंकि प्रोसीजर में इंस्ट्रूमेंट्स और जो सूचर्स यूज होते हैं और जो क्लिप्स यूज होते हैं, उनका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस ऑपरेशन है। अगर बाहर से ग्राफ्ट ली तो इस पेशेंट में खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हमने बाबा जी की खुद की ही नस इस्तेमाल करी इस ऑपरेशन के लिए। फिर भी एक लमसम आइडिया कितना खर्चा होता होगा? कंड्यूट 80-90 हज़ार का तो कंड्यूट ही आता है बाहर से, जो हम मंगाते हैं, लेकिन क्योंकि बाबा जी मिलिट्री के थे, पैनल के हैं, इसलिए हमने कष्ट उठाया, उनकी वेन हार्वेस्ट करी और उनका कम से कम करने में पूरी कोशिश की। आप सामान्य जीवन जियेंगे मरीज? हाँ, आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर सुनील ने यह बताया। स्पेसिफिक रूप से बताना चाहूंगा कि ओपन हार्ट सर्जरी मेरठ में पिछले 10-12 सालों से यथाकथित होती रहती है, लेकिन रूटीन में नहीं होती कहीं भी, क्योंकि अभी शहर के आने वाले लोगों को शायद विश्वास जमने में या क्या कारण है ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास सर्जरी। तो एक तो मैं एक बार फिर आपके सामने ये रिपीट करूंगा कि डॉक्टर तनेगर 24 घंटे रेजिडेंशियल हार्ट सर्जन इस शहर में पिछले 1.5-2 महीने से आपके साथ है, आपकी सेवाओं के लिए। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये वैस्कुलर सर्जरी। वैस्कुलर सर्जरी का मतलब है जो पैरों की नसें ब्लॉक हो जाती हैं विभिन्न बीमारियों में, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या एक वैस्कुलरिटी होती है, बर्जर डिजीज, सिगरेट बीड़ी पीने से हो जाती है, एम्पुल से हो जाती है, ये बड़ी कॉमन समस्या है। लेकिन बाई ये जो वैस्कुलर सर्जरी है, ये कभी अभी केवल मेरठ में ये सेंटर है केएमसी, जहाँ पे फुल टाइम वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर तनेगर का है 1.5-2 महीने से। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।